सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम कह रहे थे आपका क्लास 10th की इंग्लिश को, और जिसमें मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था नॉन, वो खत्म हो गया था। उसके बाद आपका क्या करा रहे थे, हम प्रैक्टिस करा रहे थे उसकी, ठीक है। तो एक वीडियो का पार्ट आ चुका है और ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है, इसमें भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज चल रही है, तो आप भी पहले करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को रोक सकते हैं और इन्हें करके आप पहले कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू करिए, जिससे कि आपको आगे मालूम पड़ पाए कितने आपने सही किए कितने आपने गलत किए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर लेना। अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बेसिक टू टॉप स्टडी के नाम से ये यूट्यूब चैनल सर्च करना है और वहां पे जाके इसे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखी है जिससे कि आपको गलती ना हो, आप बोल देंगे फिर भी आपका चैनल आ जाएगा बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसमें आसानी से समझाएंगे कि आप कैसे इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें हमने क्वेश्चन 1 करा दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख क्या कह रहा है, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। अब प्लूरल फॉर्म आपको लिखनी है, प्लूरल फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में जो प्लूरल फॉर्म है, इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स का मतलब क्या है, जो अंडरलाइन किए गए हैं उनकी प्लूरल फॉर्म आपको लिखिए, इसका सेम टू सेम ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी दिए हुए हैं जिसपे अंडरलाइन हुई है, तो उन सेंटेंसों में जो वर्ड दिया हुआ है उसको आपको प्लूरल लिखना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, दीज पर्सन आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है, इस पर्सन का आपको प्लूरल लिखना है, इसका प्लूरल क्या होगा, जैसा कि इसमें बोला हुआ है कि हमें प्लूरल बताइए। तो यहाँ पे इसका हम प्लूरल लिख देते हैं, तो इसमें क्या केवल हमें लगानी है एस, ठीक है। तो पर्सन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लूरल लिख के सामने जस्ट लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। आपको बताता भी चलूंगा, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, और इसमें आप एस लगा देंगे तो ये पर्सन हो जाएंगे काफी। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, द वुमेन ओवर दीज वॉन्ट टू मीट द मैनेजर। जो है वो वुमेन है, वो क्या करना चाह रही है, मैनेजर से मिलना चाह रही है। तो यहाँ पे आपको जो वुमेन है उसका प्लूरल बताना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, जब एक वुमेन होती है तो उसके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए लगा हुआ है ए, और यहीं पे अगर हम प्लूरल से बना देते हैं तो ई लगा देते हैं, तो क्या लगाएंगे, डब्ल्यू ओ एन ई एन, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, माई चाइल्ड हेट ईटिंग पास्ता। अब क्या कर रहा है, इनका जो बच्चा है वो क्या खाने से ये हेट कर रहा है, पास्ता खाने से हेट कर रहा है। तो चाइल्ड, अब चाइल्ड का हमें प्लूरल बनाना है, चाइल्ड भी होता है बच्चा, और बच्चे का प्लूरल क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम इसे चिल्ड्रन में चेंज कर देंगे, तो ये होता है क्या, प्लूरल चिल्ड्रन। ये हमने वीडियो बनाई हुई है सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले, सभी नाम्स के वीडियो बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, माई फुट हर्ट, ठीक है। तो इनका जो पैर है इसकी आपको प्लूरल बनानी है, तो प्लूरल इसकी कैसे बनाओगे, फुट है तो फुट का क्या बनाते हैं हम, फीट। ये आपका प्लूरल होता है, फुट का क्या होता है, फीट होता है, ये डबल ओ की जगह डबल ई आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आई क्लीन माई टूथ, ठीक है, दीज टाइम्स अ डे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, 3 times इन अ डे, तो ये 3 times यानी 3 बार ये अपने दिन में अपने जो दांत है उन्हें साफ करता है, टूथ। तो टूथ का हम यहाँ पे करेंगे टीथ, ठीक है। यहाँ पे भी डबल ओ की जगह डबल ई आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये सभी वीडियो है, आप चेक करना, आपको वहां से अच्छी तरह समझाया हुआ है, ठीक है। आज देखिए, द स्टूडेंट्स आर डूइंग द एक्सरसाइज राइट नाउ, सभी जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे स्टूडेंट पे अंडरलाइन है, तो स्टूडेंट का हमको बनाना है, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो इसमें एस लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, दे आर स्टैंडिंग सम मेंस, वहां पे कुछ व्यक्ति खड़े हैं,
टू फिक्स द रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूफ को फिक्स करने के लिए खड़े हुए, तो मैन को क्या, मैन कैसे बनता है प्लुरल, तो एम ई एन होता है प्लुरल होता है, और एम ए एन आपका सिंगुलर होता है। इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। आगे देखिए, मोस्ट जिंदगी मोस्ट हाउस वाइफ वर्क मोर देन 10 आवर्स इन अ डे एट होम। कम से कम दिन में जो औरतें होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर में काम करती हैं, जैसे मम्मी है हमारी, और मतलब जैसे हमारी दादी है कोई भी हो, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या कम से कम 10 घंटे काम करती है एक दिन। तो यहाँ पे जो हाउस वाइफ की हमें पूछा है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हाउस वाइफ, तो पहले लिख दीजिए हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आपको पहचान बताई थी, अगर इधर जो लास्ट में इधर देखेंगे आप, तो एफ ई लगा है या एफ लगा होता, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, इसको हटा के वी ई एस लगा देते हैं, तो हाउस, अब यहाँ लिखेंगे वाइफ, इस तरीके से ये वी ई एस लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया हुआ है पहले से। पियानोस आर एक्सपेंसिव, पियानो है वो बहुत ही कैसा है, कीमती है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पियानो का लगाना है, तो इसमें क्या लगाना है, केवल एस लगाना है पियानो में, ठीक है, पियानो, पियानोस, ठीक है। इस तरीके से ये प्लूरल बनेगा, पियानोस का भी बताया है, और इसमें वो लास्ट में आता है वो भी हमने आपको सब बताया, वीडियो में देखेंगे जाकर तो वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। सम पुलिसमैन केम टू अरेस्ट हिम, कुछ पुलिसमैन आए उसे अरेस्ट करने के लिए, तो पुलिसमैन को कैसे हम यहाँ पे जो क्या मैन है, मैन में चेंज करना है, पुलिस तो वैसे ही रहेगा, तो पी ओ एल आई सी पुलिस मैन, तो एम ई एन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एम ई एन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ये सभी प्लूरल्स आप बना सकते हो, इसमें जिसमें अंडरलाइन है उनके सब प्लूरल बनाने थे, तो हमने आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में रहने देते इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप सुनते हैं, थैंक यू।